इस अभिनंदन के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब हिमाचल आता हूं तो कई स्मृतियां ताजा हो जाती। इस प्रदेश से मेरा बहुत पुराना संबंध, बहुत पुराना, और मुझे याद आता है कि वर्ष 1974 में मेरा पहला प्रवास हिमाचल में हुआ था। बहुत पुरानी बात हो गई। एक वो स्मृतियाँ, कुल्लू मनाली गया था, आज भी वो स्मृतियाँ जुड़ी हैं। और उसके पश्चात तो पिछले कई वर्षों से लगातार समाज कल्याण से जुड़े हुए अनेक समारोहों में भाग लेने के लिए इस प्रदेश में आता रहा हूँ। पिछले वर्ष भी मैं हिमाचल प्रदेश में आया था आपके राज्यपाल के निमंत्रण पर। उस समय मैं संयोग से बिहार का राज्यपाल था। यहाँ पर आया, दो तीन दिन का प्रवास था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक सुखद संयोग, वो महीना भी मई का महीना था, मई के अंत का अंत के दिन थे, और जब यहाँ आप सबसे मिलकर के और हिमाचल से मैं विदा हुआ, वापस बिहार गया, तो उसके ठीक 20 दिन बाद ये संयोग ही है कि मुझे राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के रूप में मनोनयन का निर्णय। और इस प्रवास के दौरान भी मैं देखता हूं कि जिसमें 20 दिनों की बात की है, तो इस मई के 20 तारीख की को पुनः मेरा हिमाचल की धरती पर आना हुआ। मैं 20 तारीख को आ गया था, आज तीसरा दिन है। इस प्रकार मैं जो राष्ट्रपति पद का जो मनोनयन हुआ, उसमें मैं इस देवभूमि हिमाचल की मिट्टी के आशीर्वाद को देखता हूं, क्योंकि बिहार के राज्यपाल के रूप में मेरा किसी दूसरे प्रदेश में प्रवास का कार्यक्रम वो अंतिम था। आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में हिमाचल प्रदेश में पहली बार आया हूं, उसका मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसी वर्ष 26 जनवरी जब पूरा देश गणराज्य को हम सेलिब्रेट करते हैं, उस समय भी हमारे राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी थे, उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी और कहा कि उस दिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो राजपथ है, वहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन होता है। और एक मेरे सामने सुझाव आया कि क्या आप चाहेंगे कि किसी प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का प्रतीकात्मक यदि उपयोग करें तो बहुत अच्छा लगे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो हर प्रदेश, राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए हर प्रदेश बराबर है, हर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बराबर है, मैं कैसे उसमें भेदभाव कर सकता हूं। लेकिन फिर ये बात उसके प्रत्युत्तर में आई कि आखिर कहीं ना कहीं जब आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रदेश का भी एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना हो तो कैसा रहेगा। तो मैंने कहा यदि इस प्रकार की बात है तो सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश को मैं चूज कर। और आप लोगों ने देखा होगा जो सम्मान को, उसको हमारे अधिकारियों ने कहा कि जब आप प्रतीकात्मक वेशभूषा पहनते हैं, उसका अभिप्राय ये होता है कि उस प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का आप सम्मान कर रहे हैं, वहां के लोगों का सम्मान कर रहे हैं। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाने वाले ऋग्वेद में
हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से जुड़े व्यापक उल्लेख पाए जाते हैं। सतलुज और ब्यास नदियों के हिमाचल क्षेत्र में बहने वाली धाराओं का विशेष वर्णन मिलता है। इन वर्णनों द्वारा भारतीय परंपरा में प्रकृति के लिए गहरे सम्मान की जानकारी मिलती है। हिमाचल प्रदेश अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। अनेक नदियों के उद्गम और हिमाच्छादित पहाड़ों के इस क्षेत्र को तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों, ज्योतिर्लिंग तथा बौद्ध केंद्रों में आने वाले लोगों के कारण विभिन्न परंपराओं का जीवंत रूप यहाँ हम सबको देखने को मिलता है। महाभारत की कथाओं में भी हिमाचल प्रदेश में हुए युद्धों के वर्णन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की इस भूमि ने देश की रक्षा करने वाले अनेक शूरवीरों को जन्म दिया। देश के पहले परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म इसी प्रदेश के कांगड़ा में हुआ था। भारत को आजादी प्राप्त हुए कुछ सप्ताह ही हुए थे जब हमारी आजादी की रक्षा करते हुए वे मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में शहीद हो गए थे। इस तरह वे देश के लिए मर मिटने वाले हिमाचल प्रदेश के बहादुरों की उस महान परंपरा से जुड़ गए जिसमें उनसे लगभग 100 साल पहले शहीद होने वाले राम सिंह पठानिया का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। शहीद राम सिंह पठानिया ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जब पठानिया वीर गति को प्राप्त हुए उस समय उनकी उम्र भी केवल 24 वर्ष की थी। कारगिल युद्ध के शहीद मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार और कारगिल के नायक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया ने पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया। हिमाचल प्रदेश में अनेक सार्वजनिक स्थलों पर शहीदों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। उनके सम्मान में उद्यानों, सड़कों और चौराहों का नामकरण होता है। ये हिमाचल प्रदेश के निवासियों के हृदय में उन वीरों के प्रति असीम सम्मान को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेना को सेवा प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 1,10,000 से भी अधिक है और इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहना अधिक उपयुक्त है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस तरह भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर है उसी तरह विकास के अनेक मानकों पर भी यह राज्य बहुत ऊंचा स्थान रखता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों से लेकर जम्मू और कश्मीर तक पूरे हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की एक केंद्रीय स्थिति है। आज हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का रोल मॉडल माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सफलता और विकास के लिए राज्य के सभी निवासियों को मैं बधाई देता हूं। राज्य को नई ऊर्जा के साथ विकास के शिखर की ओर ले जाने के प्रयासों को मार्गदर्शन देने के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और प्रदेश का कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में उल्लेखनीय विकास करते हुए हिमाचल प्रदेश ने समावेशी विकास के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। साक्षरता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी उन्मूलन, प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिजली और पानी की उपलब्धता आदि सभी पैमानों पर हिमाचल प्रदेश ने विकास के प्रभावशाली परिणाम दिए हैं जिसका प्रमुख श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं की विकास में भागीदारी और समाज में स्थिति की दृष्टि से इस राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि बेटियों और महिलाओं के हित में उज्ज्वला योजना, बेटी है अनमोल योजना और सशक्त महिला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं द्वारा सक्रिय योगदान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की नदियों और झरनों में विद्युत उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता है।
कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश की सफलता सराहनीय है, लेकिन इन क्षेत्रों में विकास की और भी अधिक संभावनाएं हैं। मैंने कल ही सोलन में डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में अपने दीक्षांत भाषण के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के महत्व पर चर्चा की थी। यहाँ इतिहास, अध्यात्म, प्रकृति, स्वास्थ्य, वन्य जीवन, संस्कृति और साहसिक खेलों से जुड़े पर्यटन केंद्रों से आकर्षित होकर देश विदेश के सैलानी बड़ी संख्या में आया करते हैं। हिमाचल में दो श्रेणियों के पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं, एक वे जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने के लिए, और दूसरे वे जो यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों से जुड़े देवी देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार हिमाचल में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के कारण आज यह प्रदेश राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पर्यटन के अनछुए क्षेत्रों के विकास के लिए नई राहें, नई मंजिलें नामक योजना पर काम शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम समेत पर्यटन के विकास के लिए अन्य कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि कांगड़ा हवाई अड्डे से उड़ानों में वृद्धि होने के कारण पर्यटन के विकास को बल मिलेगा। भारत रत्न से अलंकृत दूरदर्शी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रोहतांग सुरंग का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। मुझे बताया गया है कि यातायात के लिए सुरंग का उपयोग निकट भविष्य में शुरू होने वाला है। इसके खुल जाने से पर्यटन के साथ साथ व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सहायता मिलेगी। मुझे यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि हिमाचल प्रदेश कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ प्लास्टिक बैग के उपयोग पर लगा प्रतिबंध सराहनीय है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त पहले ही घोषित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के आप सभी निवासी अपनी सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को सहेजते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मठ निवासी यहां के पर्यावरण और वन संपदा को बचा कर रखते हुए अपने राज्य को आधुनिक विकास के शिखर तक ले जाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं कुछ दिनों के लिए शिमला प्रवास पर राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आया हूँ। यद्यपि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन मूल रूप में राष्ट्रपति भी एक इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जो जनता के कष्ट और उसकी असुविधा के प्रति संवेदनशील हो। मेरा सदैव प्रयास रहता है कि मेरे प्रवास के कारण आम जनता को कम से कम असुविधा हो। मेरे शिमला प्रवास के दौरान भी स्थानीय प्रशासन के संवेदनशील होने के बावजूद भी सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण के कारण आम नागरिकों को कुछ असुविधा हुई होगी, जिसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूँ। हमारे लोकतंत्र का प्रतीक और देश की धरोहर हम सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन में हर भारतवासी का अधिकार है। मेरा अधिकार देश के प्रथम नागरिक की बतौर है, आप सबका अधिकार भी ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति भवन पर है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब कभी भी आप दिल्ली की यात्रा पर आए तो आप राष्ट्रपति भवन जरूर पधारें, वहां पर आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी के प्रदेशवासियों के सुखद और मंगलमय भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।